गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा रहता है कि बस का सीन रहता है जहाँ पर जो हमारी रिद्धि रहती है वो राघव के कंधे पे सर रखकर सो जाती है। अब उसके आगे जब वो सर रखकर सो जाती है, ऐसी सफ़र पूरा बीत जाता है। फाइनली होटल में पहुँच जाते हैं जहाँ से उन लोगों को अपना ट्रिप स्टार्ट करनी है। अभी तो फिलहाल ये एक ऐसे होटल में आए थे जहाँ पर ये वन डे के लिए वहाँ स्टे करने वाले थे। उसके बाद ट्रैकिंग वगैरह ये जो भी स्टार्ट होगी वो वहाँ से होने वाली थी। तो रिद्धि को राघव बहुत प्यार से उठाता है और कहता है कि हम पहुँच गए। तो तभी रिद्धि को होश आता है कि वो उसके कंधे पर ही सो गई थी। वो कहती है, आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा सा थक गई थी और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब आपके कंधे पर सो गई। तभी राघव कहता है, कोई बात नहीं, चलता है, इट्स ओके, ऐसा कुछ नहीं है। पीछे कायरा ये सब सुन रही रहती है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा रहता है कि चलता है, क्या चलता है, उठा सकते थे लेकिन नहीं, खुद को तो मज़े लेने थे। ऐसी मनी मन में वो बहुत सारी चीज़ें सोच रही रहती है। हमारी रश्मि तो हर एक चीज़ नोट कर रही थी, कायरा का फेस के एक्सप्रेशन, रिद्धि का और राघव के बीच के एक्सप्रेशन, और उन सब के साथ जिया भी इंजॉय कर रही थी। आखिर इन दोनों के बीच में बैट लगी थी जिया और रश्मि के। रश्मि ने ये कहा था कि इस ट्रिप में कायरा रिद्धि को प्रपोज करेगी और करेगी, और जिया कहती है इस ट्रिप में कायरा प्रपोज करे ना करे, राघव जरूर प्रपोज करने वाला है रिद्धि को। तो अब देखते हैं कि कौन किसको प्रपोज करता है और ऐसे इन लोगों के बीच में चल रहा रहता है। बट जिया को भी सब कुछ पता रहता है रिद्धि और कायरा के बीच में जो इंसिडेंट हुए रहते हैं, क्योंकि ऑल ऑफ थ्री ऑफ देम इज द बेस्ट फ्रेंड्स, तो सब पता रहता है। बट जिया जो रहती है वो थोड़ा कम इन्वॉल्व होती है, क्योंकि उसकी खुद की पर्सनल लाइफ इतनी ज़्यादा रहती है अपने बॉयफ्रेंड इन सब के साथ इंजॉयमेंट के, कि वो इतना टाइम नहीं दे पाती है। और वो शायद इतनी क्लोज रिद्धि के थी भी नहीं जितनी रश्मि थी। रश्मि बहुत ज़्यादा क्लोज थी, बट ऑल ऑफ देम आर बेस्ट फ्रेंड्स। फिर ये लोग ऐसी ट्रिप में निकलते हैं। अब टीचर्स के रूम रहते हैं, सबके रूम्स रहते हैं और सब अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। गर्ल्स शेयर देयर बेड्स विद गर्ल्स, बॉयज शेयर देयर बेड विद बॉयज, और टीचर्स वगैरह सब ऐसे ही चल रहे रहते हैं। तो रश्मि रश्मि रहती है, जिया रहती है और रिद्धि रहती है, ये तीनों एक ही रूम में शेयर करने वाले रहते हैं, क्योंकि इन लोगों ने पहली मैम को बोला था कि वो ट्रिपल बेड लेंगे और ट्रिपल बेड के साथ शेयर करते हैं। दूसरी तरफ राघव अनुराग के साथ और बहुत सारे सर्स के साथ वहाँ जाके चले जाते हैं। कायरा तनु के साथ अपना बेड शेयर करती है, राघव मई सॉरी मयंक मयूर के साथ शेयर करता है, और ऐसे करके सब अपने अपने बेड शेयर करने लगते हैं। जैसे ये लोग अंदर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तो हमारी तनु रहती है, क्योंकि उसने इतना प्यारा लग्जरी रूम नहीं देखा रहता है, और वो कायरा के साथ बहुत मस्ती करने के लिए पीछे पड़ी रहती है और कायरा को कहती है, और देख यहाँ पर ये है, देख व्यू कितना अच्छा दिख रहा है, वो अच्छा दिख रहा है, ये दिख रहा है। और पर कायरा तो कहीं खोई हुई रहती है, क्योंकि उसे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा रहता है। उसके सामने तो फ्लैशबैक चल रहा रहता है राघव और रिद्धि का, तो वो कुछ एक्साइटमेंट नहीं दिखाती है। तभी तनु बहुत नोटिस करती है और वो एकदम से पूछती है, कायरा? तभी कायरा बोलती है, हाँ तनु बोल। तो कहती है, देख मैं जिस टाइम तुझसे फर्स्ट टाइम मिली थी ना, तू बहुत अलग लड़की थी, एक हैप्पी लकी गो टाइप गर्ल थी जो स्माइल करती रहती थी, और तेरे फेस पे वो जो डिम्पल्स पड़ते हैं ना वो काफ़ी अच्छे रहते थे। बट मैं देख रही हूँ लास्ट 1 वीक से, आई मीन वो टीचर्स डे के बाद से तू बहुत चेंज हो गई है, कुछ हुआ है क्या तेरा साथ, कुछ हुआ है? आई मीन तू बहुत अच्छे से थी नेचर, लेकिन तू रिद्धि मैम से भी बात नहीं करती, ना रिद्धि मैम तुझसे बात करती है, तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या? देख यार मैं सच बोल रही हूँ, हम लोग समझते सब है पर कोई किसी कोई बोलता नहीं है, तो मुझे दिखा तो मैंने तुझसे पूछ लिया। और तनु, ऐसा कुछ नहीं है, कायरा बोलती है। तभी तनु बोलती है, तुझे नहीं बताना, इट्स ओके फाइन, मे बी इट्स योर पर्सनल, बट
कुछ नहीं है ये मत बोल, सबको दिखता है। तभी कायरा बोलती है, हाँ मेरे और प्रीति मैम के बीच में कुछ लड़ाई हो गई है। ओके, तनु पूछती है। तनु बोलती है लड़ाई कुछ ज्यादा सीवियर है, तो कहती है हाँ लड़ाई हो गई है और थोड़ी ज्यादा सीवियर हो गई है। तूने शॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं करी, तनु कहती है। कायरा कहती है कि मैंने कोशिश करी थी मैम से बात करने की, बट मैम मेरी तरफ देखती तक नहीं है, और शायद अब ये बात इतनी बढ़ गई है कि अब क्लियर करने के लिए कुछ बचा भी नहीं है, और शायद वो ही वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लग गई हूँ यार। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की यार, लेकिन नहीं हो रहा मुझसे। मैं बहुत ज़्यादा फंस गई हूँ यार तनु, मैं नहीं समझ में आ रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी तनु कायरा को हक करके बोलते कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक बार तू मैम से बात कर, क्लियर कर, सब कुछ हो जाएगा। ऐसे करके कायरा अपने इमोशंस को कंट्रोल करती। दूसरी तरफ जो हमारी रश्मि रहती है, जिया रहती है और रिद्धि रहती है, वो अपने रूम पर आके बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे रहते, जैसे कि वो अब अपने कॉलेज टाइम को इंजॉय कर रहे रहते, जैसे कि अपने कॉलेज टाइम पे वो लोग कितनी मस्ती करते थे तीनों साथ में होकर, तो वही वो लोग वहाँ पर इंजॉय कर रहे रहते। काफ़ी हद तक थोड़ी टाइम रूम पे रहने के बाद वो लोग डिसाइड करते कि गार्डन एरिया में जाएंगे, वहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल गार्डन एरिया होता है, उस गार्डन एरिया में वो काफ़ी अच्छे से जाते हैं और इधर उधर घूम रहे रहते, एक दूसरे से बात कर रहे रहते हैं। जो कायरा है वो ऊपर से अपनी विंडो से देख रही रहती है, और वो भी सोचती है कि वहाँ जाए, लेकिन तभी वो देखती है कि राघव राज दोनों आ गए। राज तो डेफिनेटली रश्मि के लिए ही आया रहता है। जिया अपने फ़ोन कॉल पे लग जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ वीडियो कॉल पर, तो वो एक साइड में चली जाती है। राघव रिद्धि के पास आता है और वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा रहता है, बट रिद्धि इस बार इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, क्योंकि रिद्धि अपने कानों में ईयरफोन्स लगा के म्यूजिक सुन रही रहती है। राघव दो बार देखता है, तीन बार देखता है कि वो कोशिश करे उससे बात करने की, बट वो समझ जाता है कि वो शायद बिजी है, तो वो चला जाता है। कायरा अब फाइनली थोड़ी हैप्पी हुई रहती है ये देखकर कि फाइनली इन्होंने अवॉइड तो किया, बट क्यों किया, पहले तो ये सवाल आता है उसके दिमाग में। बट फिर वो डिसाइड करती है कि वो नीचे जाएगी और बात करेगी, तो वो फटाक से भागते हुए जाती है गार्डन एरिया में और मैम के पास धीरे धीरे जा रही रहती है। तभी जो मैम है वो ईयरफोन्स लगाए रहते हैं, तो उनको पता नहीं रहता कोई पीछे आ रहा है या नहीं आ रहा है, पर वो जैसी टर्न होती है तो वो कायरा को सामने देखती है, और जैसी वो कायरा को अपने सामने देखती है वो साइड से जा ही रही रहती है। तभी कायरा उनका हाथ पकड़ती है और बोलती है मुझे आपसे बात करनी है, पर उन्होंने ईयरफोन्स लगाए रहते हैं तो वो सुन नहीं पाती हैं। फिर वो अपना थोड़ी देर तक उसके फेस का एक्सप्रेशन देती है और वो बोले जा रही रहती है आई एम रियली सॉरी वगैरह वगैरह, ऐसे कंटिन्यूसली वो बोले जा रही रहती है, बट रिद्धि को सुनाई नहीं देता है क्योंकि वो तो ईयरफोन्स लगाई है। तभी वो एकदम से उसके अपना हाथ छुड़ाती है, पॉकेट से मोबाइल निकालती है और उसको बंद कर आई मीन सॉन्ग्स को बंद करती है, और उसे कहती है कि सॉरी तुमने बहुत कुछ कहा, मेरे कान में ईयरफोन्स था, मैंने नहीं सुना। रिद्धि कायरा को कह रही रहती, तभी कायरा को थोड़ा और गुस्सा चढ़ जाता है, एक तो इतने इमोशंस के साथ मैंने इनको सॉरी बोला, हर एक चीज़ बोली और इन्होंने ईयरफोन्स लगाए थे, तो वो कहती है कुछ नहीं, जब बोलना था तब आपको बोला था, आपने सुना क्यों नहीं, और ऐसे कह के खुद ही गुस्सा होकर चली जाती है। रिद्धि समझ नहीं पाती ये क्या अजीब लड़की है, खुद ही करती है खुद ही करती है, पर वो सोचती है छोड़ो यार, और ऐसे करके वो लोग भी अपने रूम में चले जाते हैं। कायरा का गुस्सा का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो रूम पर आती है, कहती है कि देख मैं आज गई थी उनसे बात करने के लिए, तनु को सुना रही रहती है मैं गई थी उनसे बात करने के लिए, उन्होंने मुझसे बात नहीं करी, उन्होंने ईयरफोन्स लगाए थे। तभी तनु कहती है अरे तो ईयरफोन्स जब हटाए थे तब बोल देती ना, गुस्सा होकर क्यों आ गई, तो कहती यार मैंने इतने इमोशंस के साथ कहा था यार, उन्होंने सुना ही नहीं,
अरे तो तू क्या गुस्सा होकर आ जाएगी, तनु कह रही रहती है। तब बोलती, मैं देख एक ही बार बोलती हूँ यार, सुनना रहता तो सुनो, नहीं सुनना है तो मत सुनो, मुझसे नहीं होता बार बार, और ऐसे कायरा बोल रही थी। तभी तनु बोलती है, गलती तेरी है तो तुझे झुकना पड़ेगा, तेरा इस एटीट्यूड से नहीं चलता है। और जो भी बोलूँ, वो बहुत अच्छी मैम है यार, जो तुझे हर एक तरीके से हैंडल कर लेती है। कोई और होता ना तो तुझे चार बातें सुना के चला जाता। यही बात उसे अभी की याद आती है कि अभी ने भी उसको यही बात कही रहती है। पर वो ये सोचते कि सब लोग यही कह रहे, तो यार गलती मुझ में ही होगी, शायद मैं ही बहुत ज़्यादा अपना ईगो लेकर ये सब चलती हूँ। और ये सोच के वो डिसाइड करती है कि नेक्स्ट डे वो सब कुछ क्लियर करेगी, सब कुछ। फिर उस रात को सब लोग सो जाते हैं। नेक्स्ट डे होता है, सब ब्रेकफास्ट टेबल पे मिलते हैं, सब ब्रेकफास्ट करते हैं। वहाँ पर जो हेड ऑफ द इंचार्ज रहती है स्ट्रिप की, वो उनको इन्फॉर्म करती है कि अब यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होगी, तो आप सब अपना ट्रैकिंग का सामान ले लीजिए, टेंट वगैरह का जो सब कुछ हमने बोला था आपको लाने के लिए, सब बैग्स में लेके चलिए। सब लोग ट्रैकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ट्रैकिंग में ये तीनों तो एक साथ ही रहती है, रश्मि, जिया, रिद्धि, और अब इनको ज्वाइन करने के लिए राघव भी आ ही रहा रहता है। पर दूसरी तरफ जो राज रहता है, वो अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ जाता है, क्योंकि है तो वो स्टूडेंट ही ना। और कहीं ना कहीं रश्मि और राज के बीच में आंखों ही आंखों इशारों में बहुत सारी बातें हो रही थी। दूसरी तरफ कायरा ना चाहकर भी अपने मयूर सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड के साथ जाने वाली रहती है, और वो भी जा रही रहती, पर उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ रिद्धि पे ही टिकी रहती है। और जैसे कि वो इतना गुस्से में कह रही है कि यार राघव, तुझे कुछ काम धंधा नहीं है क्या, जब देखो रिद्धि के आजू बाजू घूमता रहता है। पता है, इतना गुस्सा तो मुझे कभी नहीं आता, तुझे देखकर तो हाई लेवल का गुस्सा चढ़ जाता है। ऐसे कह के कायरा मन ही मन बहुत कुछ गालियां भी पकना स्टार्ट कर देती है राघव को। पर इसमें राघव की क्या गलती, आखिर इतनी हॉट टीचर मिलेगी उसे तो वो क्यों ना चांस ना मारे। अब गलती तो कायरा की है, जब मिली थी तो कदर नहीं करी। और वो लोग यहाँ से काफ़ी अच्छे से ट्रैकिंग करने चले जाते, जाकर टेंट लगा रहे रहते, तो राघव मदद करता है रिद्धि की। तो ये चीज़ कायरा को पसंद नहीं आती, और कायरा के टेंट पे तो मयूर हेल्प कर रहा रहता है। सब काफ़ी अच्छे से टेंट वेंट लगा लेते हैं। ये लोग फिर गेम स्टार्ट होता है, बॉन फायर गेम्स होते हैं, और काफ़ी अच्छे से खेल रहे रहते हैं। थोड़ी देर में जो हमारी रिद्धि रहती है, उसे इन सब गेम्स में कोई इंटरेस्ट रहता नहीं है, क्योंकि वो ट्रुथ एंड डेयर गेम खेल रहे रहते हैं, सब खेल रहे रहते हैं। तो जो रिद्धि है, वो थोड़ा सा अपसाइड एरिया, माउंटेन एरिया, और थोड़ा सा जंगल साइड एरिया में वहाँ जाकर बैठती है। उसे शांति बहुत ज़्यादा पसंद थी, उसे ऐसा शोर शराबा इतना पसंद नहीं रहता, तो वो वहाँ जाकर बैठ के अपना मोबाइल चला रही रहती है। थोड़ी देर में राघव भी वहाँ चला जाता है उसके पास बैठने के लिए। ये देख के तो कायरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा रहता है, और उनकी पूरा का पूरा ग्रुप इन दोनों को कपल 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 करके चिल्ला रहा रहता है। रश्मि भी ये नोट कर रही रहती है कि सब कपल कपल करके चिल्ला रहे रहते हैं, और ये लोग काफ़ी ज़्यादा होते हैं। रश्मि भी ये चीज़ नोट कर लेती है, बट रश्मि कोई क्लियर करने के मूड में नहीं रहती है, क्योंकि वो सिर्फ कायरा का रिएक्शन देख रही रहती है। और उसकी तो बेट लगी रहती है जिया के साथ, तो यार उससे तो अपनी बेट जीतना है, तो वो सोच ही रहती कि अब तो कुछ कर, अब तो कुछ कर दे कायरा, कुछ कर, फाइनली मुझे मेरी बेट जिता। रश्मि तो ऐसे ही सोच ही रहती है मनी मन, कायरा का गुस्से का लेवल हाई रहता है। और तभी जो मयूर है, वो उसको टची टची कर रहा रहता है। थोड़े देर के बाद ब्लास्ट हो जाती है कायरा, और कायरा एकदम से मयूर को धक्का देके बोलती है कि क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम, क्या है, जब से तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या बनी हूँ, तब से बस कभी यहाँ टच करना, कभी वहाँ टच करना, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, नहीं करती यार मेरे को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, तो मुझे टच टच करते रहते हो, कभी किस करने के लिए फोर्स करते हो, कभी कुछ करने के लिए, नहीं होना मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट, क्यों मेरे पीछे पड़ जाते हो हर टाइम के लिए, नहीं हो मुझे तुम पसंद बिल्कुल भी।
रिस्पेक्ट करना सीखो किसी की चॉइस के बारे में। मुझे नहीं है पसंद यार, हद कर दी है। तो सोच रही थी कि थोड़ी टाइम के बाद समझोगे, थोड़े टाइम के बाद समझोगे, लेकिन नहीं। अरे ऐसा लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं, तुम्हारी टॉय बन गई हूं। जहां मन करता है वहां टच करने के लिए बैठ जाते हो। गर्ल हूं मैं, तुम्हारा टॉय नहीं हूं जो मेरे साथ खेलोगे तुम। एक तो वैसी लाइफ में इतने सारे इश्यूज चल रहे हैं और ऊपर से तुम्हारा ये टची टची मूवमेंट में हैंडल करती बैठूं। मेरा दिमाग खराब हो गया था, पता नहीं किस मुहूर्त पे जाके मैंने तुम्हें हाँ कर दी थी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। सोचा था कि तुम थोड़े सेंसिबल लड़के होगे, धीरे धीरे इमोशंस को समझोगे, लेकिन तुम भी बाकी लड़कों की तरह एक ही चीज के लिए मरते हो। नहीं है मुझे पसंद। और ऐसे कह के वो मयंक को बहुत मयूर को बहुत जम के धक्का मारती है और वहां से चली जाती है। रश्मि ये देख के शॉक्ड हो जाती है, जिया शॉक्ड होती है, रिद्धि काफी दूर बैठी रहती है राघव के साथ, तो उसे इस बारे में कुछ पता नहीं रहता है और राघव को भी नहीं पता रहता है। बट वहाँ के सारे टीचर्स ये सब देख के मयूर काफी ज्यादा इंसल्टिंग फील करता है। इतना ज्यादा इंसल्टिंग कि उसने कभी सोचा नहीं रहता है कि कोई उसके कह रहा है, क्योंकि अगर लड़की सबके सामने ऐसा चिल्ला रही है तो जाहिर सी बात है लड़की ने कुछ तो हरकत करी होगी। और हालांकि उसने की थी, बट इंसल्ट होना तो बहुत है। तो यहाँ मयूर का ईगो कुछ ज्यादा ही डेफिनेटली हर्ट हो जाता है। तभी वो डिसाइड करता है कि वो उधर जाएगा और कायरा से बात करेगा। तो वो उठता है और कायरा के पीछे भागता है और कायरा को बोलता है, ये क्या मतलब है तुम इस तरीके से ऐसे बिहेव। तो कह तब भी वो चिल्ला के बोलती है, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, ठीक है, नहीं चाहिए मुझे तुम, नहीं चाहिए, मुझ में और हिम्मत नहीं है तुम्हारे ऐसे एटीट्यूड को झेलने की, मुझे ब्रेकअप करना है। तभी वो उसके ऊपर ऐसे जबरदस्ती उसके शोल्डर्स को हाथ पकड़ता है और उसको बोलने लगता है कि तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं ले सकती हो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो, मैं तुम्हें ब्रेकअप नहीं करने दूंगा। मयूर का भी गुस्सा हाई हो जाता है। उतनी देर में जो इंचार्ज टीचर आ जाती है बीच में, तो ये लोगों को वहीं रोकना रहता है और वो कायरा को बोलते कि ये क्या बदतमीजी है तुम दोनों का ऐसे सामने चल रहा है, ये कोई तुम्हारा घर नहीं है, ये ऑफिस, ये कॉलेज की ट्रिप है, ये जो भी मैटर है इसको तुम अपना अपना निभाओ निपटाओ, ऐसे करके टीचर कह रही थी। तभी कायरा और मयू एक दूसरे को मैम को सॉरी बोल के वहां से निकल जाते हैं। रिद्धि को इस बारे में कुछ पता नहीं रहता है। जब वो वापस आती है तब रश्मि उसे सब कुछ बताती है, तो रिद्धि भी बहुत ज्यादा टेंस हो जाती है कि यार ये तो गलत हुआ, क्योंकि मतलब इस तरीके से बिहेव गलत था। और वो बहुत अच्छे से जानती थी कायरा को कि वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। ऐसी गुस्सा करना, ऐसी चिल्लाना जब उसको कोई चीज़ उसके हिसाब से नहीं दिखती है तो वह ऐसी चिल्ला के करती है, तो ये नेचर उसे बहुत सारी मुसीबतों में डाल सकता था। ये बात रिद्धि बहुत अच्छे से जानती थी, बट वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी, उसका कोई हक नहीं था कायरा के ऊपर। तो ये टाइम तो इन लोगों का ऐसी काफ़ी बीत जाता है और डिनर का टाइम रहता है तो सब लोग आते हैं डिनर कर रहे रहते हैं। लेकिन डिनर करते टाइम जो कायरा मिसिंग रहती है और वो मयूर को देखती है, तो मयूर तो यहीं बैठा रहता है, अब कायरा मिसिंग है और रिद्धि का ध्यान पूरा कायरा के ऊपर रहता है पर वो नहीं दिख रही रहती है। तो वो एक दो बार पूछती है रश्मि से, तो रश्मि बोलती है यार मुझे नहीं पता। फिर वो तनु से पूछती है कि तनु देखा क्या कायरा को, तभी वो कहती है कि नहीं मैम, वो एक्चुअली ना और मयूर के साथ उसका ऐसा सीन हुआ, उसके बाद से वो दिख ही नहीं रही है, कहाँ गई है मुझे भी नहीं पता। तभी वो बोलती है कि तुम उसे कॉल करो, तो वो कहती है मैम मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। ये सुनकर रिद्धि काफी टेंस हो जाती है, क्योंकि स्विच ऑफ करना, कहीं गायब होना, क्योंकि ये एरिया को किसी के बारे में कुछ आइडिया नहीं रहता और ये थोड़ा सा फॉरेस्ट टाइप एरिया भी रहता है, हाईली ट्रैकिंग एरिया है, जंगल है, तो कहीं पर भी कुछ हो जाए उसके साथ, इस बात पे वो भी बहुत थोड़ी टेंस होने लगती है। काफ़ी देर तक वो वेट करती है कि अभी आएगी। सब अपने टेंट पे चले जाते हैं, रात के 12 बज चुके रहते हैं, सब अपने रूम चले जाते हैं। तभी रश्मि आती है रिद्धि के पास और कहती है कि क्या हुआ,
तो रिद्धि कहती है यार कायरा नहीं दिख रही है, तो कहती छोड़ ना होगी यहीं कहीं, तो कहती बात वो नहीं है यार, नहीं दिख रही है वो, तो कहती चल ठीक है हम उसको ढूंढते हैं। और पहले ये लोग काफी दूर दूर तक ढूंढते हैं पर नहीं मिलती है, फिर इनको ढूंढते ढूंढते 1 घंटा हो जाता है, अब रात का 1 बज चुका रहता है, अब थोड़ा सा माहौल गंभीर हो चुका रहता है, और अब वो डिसाइड करती है कि उसे ढूंढना ही पड़ेगा। तो रश्मि जिया को उठाती है, राघव को उठाती है और बोलती है कि कायरा को ढूंढना स्टार्ट करो, कायरा नहीं दिख रही है और वो कहाँ हो गई है। तो जिया बोलती है यार अब ये कहाँ चली गई, तो कहती है मुझे क्या पता, ढूंढो वरना रिद्धि रात भर नहीं सो पाएगी यार प्लीज। तो कहती है ऑफ कोर्स हाँ रिद्धि हाँ चलो चलो ढूंढते हैं, ऐसे करके जिया उठती है और सब ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, राघव भी ढूंढना स्टार्ट कर देता है। जैसी रिद्धि ढूंढ रही रहती है तो वो थोड़ा दूर तक जा रही रहती है, जाते जाते वो बहुत चिल्लाती है कायरा कायरा कहाँ हो तुम, कायरा मेरी आवाज़ तुम्हें सुनाई दे रही है, कायरा कहाँ हो कहाँ हो, पर कायरा कहीं दिख ही नहीं रह रहती है। वो थोड़ा और जाती है अंदर तो वो थोड़ा सा घने जंगल में जाने ही लगते हैं ये लोग, बहुत ढूंढती हुए जाती है अंदर ही अंदर जा रही रहती है, काफी ज्यादा ढूंढ रही रहती है, फिर भी उसे कायरा नहीं मिल रही रहती है। रिद्धि की भी हार्ट बीट इस बार बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, उसे डर लगने लगता है कि कायरा कहाँ चली गई है और उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया, क्योंकि ये जो जंगल है यहाँ पे जानवर भी रहते हैं, तो उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया, वो बहुत ज़्यादा टेंस रहती है। तभी वो एक तरफ देखती है जहाँ पे कायरा का मोबाइल गिरा हुआ रहता है, वो पिकअप करती है तो उसमें उसमें ब्लड लगा हुआ रहता है और उसके फ़ोन की स्क्रीन टूट चुकी रहती है, ये देखकर उसे कंफर्म हो चुका रहता है कि नाउ शी इज़ इन ट्रबल, कुछ तो ऐसा हुआ है कि जो है। तो फिर वो और अंदर डीपली भागती है, कायरा कायरा चिल्लाती है और वहाँ मिलती नहीं है। तभी कायरा को थोड़े दूर से आवाज़ सुनाई देती है रिद्धि की, तो वो बोलती है रिद्धि इट्स यू, रिद्धि मैम आप हो आप हो, तो वो कहती है हाँ कायरा मैं हूँ, तुम हो कहाँ पर ये बताओ, तो कायरा बोलती है मैम मैं इधर हूँ इधर हूँ। ऐसे करते करते ये लोग एक दूसरे को भागते हुए ढूंढते हैं, जैसी वो देखती है वो बहुत डीपली हग कर लेती है, रिद्धि मैम को बहुत डीपली हग करती है और एकदम ऐसे ऐसे बच्चों की तरह लिपट जाती है उनसे कि बहुत ज़्यादा। तभी रिद्धि उसे थोड़ा दूर करती है और देखती है तो वो देखती है कि उसके घुटनों में छिल गया है, मतलब घुटने गिरी हुई रहती है, गिर जाती है वो, तो उसके घुटने में लग गई है और काफ़ी ब्लीडिंग हुई, जिसकी वजह से उससे चलते भी नहीं बन रहा, खड़े होते तक नहीं बन रहा रहता है। कायरा उसे रिद्धि पूछती है कि ये हुआ कैसे और तुम इधर क्यों आ गई, तभी वो बताती है वो गुस्से में थी, गुस्से में आते आते आ गई, फिर यहाँ उसके पीछे जंगली कुत्ते पड़ गए थे और वो भागते भागते गिर गई, तो उसका फोन भी गिर गया, उसकी ब्लीडिंग भी होने लग गई, वो किसी को इन्फॉर्म कैसे करे, और ऐसे बोलकर वो रो रही रहती है। तभी तभी कायरा को वो चुप कराती है, अपना पॉकेट से हैंकी निकालती है और उसके वाउंड में लगाती है, उसको कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं। तभी कायरा पूछती है आप यहाँ कैसे, आपको कैसे पता कि मैं इधर हूँ, तभी वो कहती है कि तुम टेंट के वहाँ पर नहीं थी तो मुझे लगा कि तुम कहीं चली गई हो और तुम्हारा गुस्सा थोड़ा हाई था तो फिर उस हिसाब से मैं तुम्हें ढूंढने निकल गई। रिद्धि बहुत नॉर्मल लहजे में कह रही रहती है। तभी कायरा पूछती है कि क्यों आप मुझे ढूंढने निकले हो, तो पहले तो रिद्धि सोचती है कि उसे सच बोल दूं कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ इसलिए, पर फिर वो सोचती है कि फ़ायदा ही क्या है, पिछली बार बोला था ह्यूमिलेट होना पड़ा, तो इस बार वो कह देती है कि तुम मेरी स्टूडेंट हो और ट्रैकिंग में हम सब आए हैं, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो हमारे कॉलेज की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तुम, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने निकली थी।
अब चले। तभी कायरा उसका हाथ पकड़ के बोलती है, सच बोलो ना, यही रीजन था जिसकी वजह से आप मुझे ढूंढने आई थी। और ऐसे बोल के कायरा बहुत गहर आंखों से उसे घूर रही रहती, जैसे कि वो उसकी आंखों से कह रही हो कि सच बोलो ना। तभी जो रिद्धि है वो उसकी आंखों में देख के बोलती है, हाँ यही रीजन है, चले। पर कायरा कन्विंस होने वाली कहाँ रहती है, उसे अपनी बातें मनानी बहुत अच्छे से आती है, तो कहती है मैं नहीं जाऊंगी जब तक आप सच नहीं बोलोगे। तभी रिद्धि बोलती है, मैंने सच ऑलरेडी कह चुकी हूँ, अब और क्या सच कहना है तुम्हें, और यहाँ जंगल है, ये कोई तुम्हारा टूरिस्ट प्लेस नहीं है जो तुम यहाँ आराम से बैठोगी, जानवर कभी भी आ सकते हैं, हमारी लाइफ हम खतरे में पहुंच जाएंगे, कोई भी आकर हमें खा लेगा तब अच्छा लगेगा तुम्हें, चलो यहाँ से, रिद्धि बोल रही रहती है। तभी कायरा बोलती, नहीं 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 आप मुझे सच बताओ, आप क्यों आए हो, क्यों आए हो, क्यों आए हो। तभी रिद्धि बोलती, ये क्या बचपना है कायरा, सच बोल दिया है मेरे, तुम 100 बार पूछने से ये बात बदलेगी नहीं, ठीक है, अब तुम चल रही हो तो चलो, नहीं चल रही हो तो यहाँ बैठो, और बच गई सुबह तक तो आ जाना, और अगर नहीं बची तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। कायरा ये सुन के थोड़ी अपसेट हो जाती है, फिर उसके पास ऑप्शन नहीं रहता है क्योंकि रिद्धि मैम स्ट्रिक्ट हैं, तो वो चलने की कोशिश करती है तो एकदम से गिर जाती है, और उसे चलते नहीं बनता है क्योंकि उसके घुटनों में बहुत ज़्यादा लगी रहती है और ब्लीडिंग भी हो चुकी रहती है। तभी रिद्धि कहती है कि चलो मेरे कंधे पर चढ़ो, मैं लेके चलती हूँ। तो कहती है, आर यू श्योर आप मेरा वेट उठा लोगे, कायरा बोलती है। तभी रिद्धि बोलती है, तुम्हारे वेट से ज़्यादा तो तुम्हारा ईगो है, ये हैंडल कर रही हूँ काफ़ी नहीं है क्या, फिर तुम्हारा वेट क्या है, चलो सब उठा ही लूँगी। और ऐसी वो मन में बड़बड़ाती है, तभी कायरा पूछती, क्या बोला आपने, तो कहती कुछ नहीं बैठो, और ऐसे करके चलने लगते, थोड़े काफ़ी दूर तक ये एक दूसरे के जा ही रहे रहते। तभी रिद्धि का फ़ोन बजने लगता है, तो रिद्धि बोलती है, कायरा मेरे पॉकेट से फ़ोन उठाओ, और हो सकता है रश्मि का फ़ोन होगा, वो भी तुम्हें ढूंढ रही है, उसे इन्फॉर्म करो कि तुम मिल चुकी हो। तभी कायरा हाँ बोलती है, और मैम की पॉकेट से फ़ोन उठाने की कोशिश कर रही रहती है। जब वो फ़ोन उठाने की कोशिश कर रही रहती है तो काफ़ी ज़्यादा फीलिंग आ रही रहती है दोनों को, एक को टच करने पर, और एक टच हो रही है तो जाहिर सी बात है फीलिंग आएगी। तभी वो देखती है कि फ़ोन रश्मि का नहीं राघव का रहता है, और वो इतने गुस्से में आ जाती है राघव का फ़ोन देखकर, और वो फ़ोन कट कर देती है। तभी रिद्धि कहती है, तुमने फ़ोन क्यों कट किया, किसका था, तो कहती राघव का, तो कहती हाँ वो भी तुम्हें ढूंढ रहा है, उसे इन्फॉर्म कर दो, तो कहती नहीं करना मुझे उसे इन्फॉर्म, और आपका और राघव का चल क्या रहा है, और वो आपको इतनी रात को कॉल क्यों कर रहा है, और ढूंढने की बारी हुई तो आप मुझे ढूंढते, रश्मि मैम मुझे ढूंढती, राघव सर क्यों ढूंढ रहे हैं, आप मुझे सच में बताओ राघव के साथ आपका क्या चल रहा है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, आप मुझे बताओ। तभी रिद्धि उसे उतारती है और बिठाते बोलती, ये क्या बचपना है, मेरा और राघव का क्या चल रहा है, मतलब क्या है तुम्हारा, तो कहती है पूरे कॉलेज में पूरे सब के सब आप दोनों को कपल कह रहे हैं, बताओ रिद्धि सच सच बताओ, तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो क्या, तुम्हारा और उसका कुछ चल रहा है क्या, तुम उससे प्यार करती हो, वो तुम्हारे इतने क्लोज क्यों आ रहा है, बताओ ना। कायरा ऐसे इमोशन वे में, ऐसे रोतलू वे में बोल रही रहती है। तभी रिद्धि कहती है, अगर चल भी रहा है तो तुम्हें उससे क्या कायरा, तुम्हारा डिसीजन तुम दे चुकी हो, अब मैं अपनी लाइफ में क्या कर रही हूँ, किसके साथ हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें, ठीक है, तो आप चुपचाप मेरा फोन दो, मुझे राघव को इन्फॉर्म करने दो,
वो वरिड हो रहा होगा और तुम चलो मेरे साथ। कायरा तभी कहती, मैं ना फोन देने वाली हूँ और ना कुछ, तो आप मुझे सच सच बताओगे तभी मैं यहाँ से जाऊंगी। तभी वो कहती, क्या सच बताना है तुम्हें, सब लोगों ने सच बता दिया ना कि वी आर कपल तो हैं होंगे। कहती है, नहीं मुझे पता है आप मेरे अलावा और किसी से प्यार नहीं कर सकते, आप सच बताओ। तभी रिद्धि अपना गुस्से का लेवल हाई करती है, बोलती है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, ये क्या चाहती हो तुम, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, क्या चाहती हो तुम, तुम्हारे साथ क्लियर करूँ तो प्रॉब्लम है, तुम्हें प्रपोज किया तो तुमने मना कर दिया, तुमने मुझे ह्यूमिलेट कर दिया, सबके सामने सुना दिया, तो आज अगर कोई मेरे करीब आ रहा है तो तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम चाहती क्या हो, तुम खुद कंफ्यूज हो और मेरी लाइफ को भी हेल बना के रख दिया है तुमने, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। तुमने कहा था ना कि कभी मेरी लाइफ में मेरे सामने मत आना, नहीं आती ना मैं, अब अगर मैं किसी और के साथ हूं तो तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ना चाहिए। देखो गायरा, मेरा लेवल, मेरा ऑल लाइफ को हेल मत बनाओ, मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने आई हूँ, यहाँ से तुम्हें लेके जाने वाली हूँ, तुम्हें जिसके साथ जो करना है करो और मैं जिसके साथ रहना चाहती हूँ रहो, तुम्हारी हर डिसीजंस को मैंने बहुत रिस्पेक्टफुली लिया है, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था, तुमने एक्सेप्ट किया, तुमने बोल दिया तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, बात खत्म, मैंने ये चीज़ को एक्सेप्ट किया, तुम्हारे रास्ते में मैं कभी वापस नहीं आई। अब तुम हर चीज़ में क्यों इन्वॉल्व हो रही हो, मेरी मर्जी है मैं उसके साथ रहूँ या ना रहूँ, क्या करना है तुम्हें। कायरा, आई कांट हैंडल योर दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड एनी मोर, आई एम फेड अप विथ यू। तुम्हें पता है तुम्हारा इस एटीट्यूड की वजह से तुम कितनी सारे लोगों को हर्ट कर देती हो, तुमने मयूर को हर्ट कर दिया, तुमने मुझे हर्ट किया, और पता नहीं तुम अपने दोस्तों को सबको हर्ट कर रही हो, और हर्ट तो ठीक है, तुम्हें पता है तुम अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रही हो, बहुत ज़्यादा मुसीबत खड़ी कर रही हो, ठीक है। अब अगर तुम्हारा बचपना ख़त्म हो गया हो तो अब हम चले, एंड गिव इट माई फोन बैक राइट नाउ। तभी कायरा की आंखों में से कंटिन्यूस आंसू गिर रहे रहते, और फिर भी वो एक बार फिर मैम से पूछती है रोते हुए, डू यू लव हिम। और इस बार रिद्धि का पूरा लेवल क्रॉस हो जाता है, वो चिल्लाकर बोलती है, नो इडियट आई लव यू डफर, दैट्स वाई आई केम हेयर राइट नाउ, आपको शौक नहीं चढ़ता है मुझे जंगलों में घूमने का, तुम्हारे लिए आई हूँ यहाँ पर, तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम नहीं दिख रही थी तो तुम्हें घूम रही थी मैं। राघव राघव राघव, अरे राघव सिर्फ दोस्त है मेरा और कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स, वो एक अच्छा इंसान है, मुझे अच्छे से ट्रीट करता है, बस बात खत्म। तुम पता नहीं क्या सोचती रहती हो, ख्याली पुलाव पकाती रहती हो, मुझे नहीं पता। और प्यार सिर्फ एक बार होता है, ठीक है, ट्रूली लव एक बार होता है, मेरा प्यार है, मेरी इबादत है, मेरा जुनून है, मेरी मोहब्बत, ठीक है ना, ये हर दिन या एक हफ्ते बात नहीं किया या एक महीने बात नहीं किया या मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ तुमसे दूर, उसका मतलब ये नहीं कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए चेंज हो जाएगी, मैं तुम्हारे साथ टाइम पास नहीं कर रही थी और ना कि मैं तुम्हारे साथ खेल रही हूँ, ठीक है, तो मेरी ट्रू फीलिंग्स है आई लव यू अनकंडीशनली, तुम मुझे प्यार करो या ना करो मैं तुम्हारे लिए हमेशा हूँ, हर टाइम तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हूँ, इसलिए जब भी तुम्हें कुछ प्रॉब्लम होती है मैं होती हूँ। तो कहती, कहाँ थी आप, कायरा बोलती है, तभी रिद्धि कहती है, तुम्हें पता है मयूर ने तुम्हें कितनी बार किस करने की कोशिश करी कॉलेज में। तो कहती है, हाँ उस समय वहाँ पे कोई ना कोई को भेजने वाली मैं थी, ठीक है,
मैं तुम पे हमेशा से नजर रखती थी। तुम्हारे पास होके जरूरी नहीं था मेरा वहां रहना, पर तुम्हें प्रोटेक्ट फील कराने के लिए थी। जिस तरीके से वो तुम्हें टच करता था, वहां कोई स्टूडेंट को पहुंचना, वहां पहुंचना सब कुछ मैं करती थी। ऑल टाइम आई प्रोटेक्ट यू बिकॉज डैम इट आई लव यू अनकंडीशनली। तुम मुझे नहीं दिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर तुम्हें कोई चोट नहीं आनी चाहिए, ये बात मेरे जहन में हमेशा से थी। इसलिए ऑल टाइम थी मैं तुम्हारे साथ और अभी भी हूँ। अभी भी तुम्हें चोट लगी है, मैं हूँ यहाँ पर। इस उम्मीद से नहीं आई हूँ कि तुम्हारा और मयूर का जो भी ब्रेकअप हुआ है उसके बाद तुम मेरे पास आ जाओ। अरे नहीं आना है मत आओ यार, पर तुम्हारी सेफ्टी मेरे लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी है, इसलिए हूँ मैं यहाँ पर। इस जंगल में अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ कभी नहीं कर पाऊंगी, इसलिए हूँ मैं यहाँ पर। शायद इस बात को तुम समझो या ना समझो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस अब अपने सवालों को बंद करो और चुपचाप यहाँ से चलो। और पहले तो फोन दो यार, रश्मि भी टेंशन में होगी, सब ढूंढ रहे हैं, रात को अपनी नींद खराब करके सब घूम रहे हैं यहाँ पे तुम्हारे लिए। तभी दूसरी बार कॉल रिंग होता है और इस बार भी राघव का कॉल होता है और वो चुपचाप दे देती है। तभी वो राघव को कॉल पिकअप करती है और रिद्धि कहती है कि वो एक्चुअल में मिल गई है कायरा, उसके पैर में चोट लगी है, मैं लेकर आ रही हूँ, और ऐसे करके हो जाते हैं। और तभी वो रश्मि को भी कॉल करके बोलती है मिल गई है, ऐसा ऐसा है, तो बोलती है क्या बोलते हैं फर्स्ट एड बॉक्स तैयार करना ज़रा, मैं जल्दी आ रही हूँ। और वो चुपचाप कायरा को बोलती है कि मेरे शोल्डर में आओ और चलो चुपचाप। तभी कायरा उसे एकदम से अपनी तरफ पुल करती है और किस करती है, और बहुत प्यार से किस कर रही है, जैसे कि वो ये करने के लिए तड़प रही थी, और वो किस कर देती है बहुत डीपली। तभी और जो रिद्धि रहती है वो उसे पुश करती है और कहती है कि कायरा प्लीज डोंट डू दिस, ओके चलो चुपचाप। तभी कायरा कहती है आई लव यू। तभी रश्मि कहती है प्लीज प्लीज अब कुछ नहीं, मुझे नहीं जानना है तुम्हारा, और आई कांट बी द पार्ट ऑफ योर गेम एनी मोर। ठीक है, हम यहाँ से चुपचाप टेंट में जा रहे हैं और तुम मेरे साथ चल रही हो, बात खत्म। जैसे ही वो उसे अपने शोल्डर पे करती है तो वो उसके नेक पे किस करने की कोशिश करती है, बट रिद्धि बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी रहती है उसके फर्स्ट बिहेवियर की वजह से। इस वजह से वो उसको कुछ भी चीज़ अलाउ नहीं करती है, क्योंकि उसके मतलब होता है कि कल किस करेगी, परसों फिर यही सुनाएगी, ये वो, उसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए रहता है। फिर ये लोग टेंट में आ जाते हैं, वो उसे बिठाती है, उसका वाउंड साफ़ कर रही रहती है, और काफ़ी अच्छे से वाउंड साफ़ कर रही रहती है। और जो कायरा है वो बहुत डीपली अपनी आंखों से उसे देख रही रहती है, जैसे उसे कहना चाहती है मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियसली आपसे प्यार करती हूँ। बट रिद्धि इस बार उसकी बातों में आना ही नहीं चाहती थी। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। ये एपिसोड बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है और मैं इतना लंबा कभी बनाती नहीं हूँ, बट इमोशंस की बारी थी तो एक्सप्रेस करना ज़्यादा ज़रूरी था। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू एंड बाय बाय।